हेलो फ्रेंड, मामूनी किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड मैं हूँ मामूनी और आज मैं बनाऊंगी गुजिया। तो फ्रेंड गुजिया के साथ साथ घर पे इंस्टेंट मावा कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड इस होली पर अपने घर में इसी तरह गुजिया बनाइएगा। मैं आशा करती हूँ इस गुजिया की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं गुजिया कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड गुजिया बनाने के लिए पहले गुजिया की डो को रेडी कर लेना है, इसलिए इसमें मैंने ले लिया है 3 कप मैदा और इसमें देना है ये घी। मैं 6 टेबल स्पून घी इसमें दूंगी इस मैदे को मोयम देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड इसमें घी दे देते हैं और इस घी को अच्छे से मिक्स करना है मैदे के साथ। इसे मैं हाथों से ही मिक्स करूंगी, इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे मैं दोनों हाथ से ऐसे मिक्स करूंगी, इसमें सारी मैदे में घी लग जाएगी तो अच्छे से मोयम हो जाएगी। घी अच्छे से मिक्स हो गई है, ये देखिए, ये देखिए ऐसे डो बन रही है। तो ये मोयम हो गई है घी से। तो इस मैदे से डो बनाने के लिए मैंने इसमें ले लिया है गर्म पानी, ये गुनगुना गर्म पानी है। तो पानी में थोड़ा थोड़ा करके दूंगी और इसमें से डो बना लूंगी, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो फ्रेंड गुजिया बनाने के लिए हमें एकदम सख्त डो चाहिए, डो नरम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पानी कम दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करना है और एकदम सख्त डो बनाना है हमें, नहीं तो गुजिया क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा डो रेडी हो गई है, ये देखिए कितना सख्त डो बनी है अब देख सकते हैं। तो इसे अब ढक के रखना है। तो पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि ये डो का जो ऊपर का लेयर है वो ना सूख जाए, इसलिए घी लगाना है। तो अब मैं इसे ढक के रखूंगी और ढक के रख के इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो चलिए तब तक स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी स्टफिंग को रेडी करना है, इसलिए मैं पैन को गर्म कर रही हूँ। पैन अभी गर्म हो गई है, अब मैं 1 टेबल स्पून घी इसमें दूंगी और इस घी में मैं दूंगी ये ड्राई फ्रूट, इसे मैं बारीक काट लिया। यह ड्राई फ्रूट फ्राई करने से इसमें से बढ़िया फ्लेवर आएगी। तो फ्रेंड इस ड्राई फ्रूट को 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है, तो इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर दूंगी सूजी, ये 4 टेबल स्पून सूजी है और गैस को एकदम धीमी रखेंगे लो पे। तो इसे भी फ्राई करना है, इसे हल्के से फ्राई करनी है। जब सूजी से अच्छी फ्लेवर आएगी तब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मैं प्लेट पे निकल लूंगी। तो सूजी को ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। इसे ऐसे ही चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड सूजी से अच्छी फ्लेवर आ रही है, तो मैं गैस को अब बंद कर दूंगी और इसे प्लेट में निकल लूंगी। तो फ्रेंड सूजी को मैं एक बाउल में निकाल लिया, अब मैं उसी पैन में और थोड़ा सा घी दूंगी। 2 टेबल स्पून में घी इसमें दूंगी। इसमें मैं बहुत ही जल्दी से मावा बनाऊंगी घर पे, इंस्टेंट मावा। तो अब मैं इसमें ये 200 ग्राम गाय का दूध मैं दूंगी। इसे मैं पहले से एक बार उबाल के ले लिया था और गैस को मैं अब मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इस दूध को थोड़ा सा गुनगुना गर्म करना है, फिर मैं इसमें ये पाउडर मिल्क दूंगी। तो इसे अभी गर्म कर लेते हैं थोड़े से। तो फ्रेंड दूध अभी गुनगुना गर्म हो गई है, अब मैं गैस को लो करके इस पाउडर मिल्क को दूंगी। ये 100 ग्राम पाउडर मिल्क है, इसे अच्छे से मिला देंगे इस दूध के साथ। इस दूध को ऐसे ही चलाते रहना है और गैस को एकदम लो पे रखना है। ये जब तक मावा ना बन जाए तब तक ऐसे ही चलाते रहना है दूध को, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। तो गैस को मैं अब थोड़ा सा हाई कर दूंगी लो से और ऐसे ही चलाऊंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड दूध जमना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। इसे और थोड़ा सा पकाना है, तो मैं ऐसे ही चलाते रहूँगी। आप भी ऐसे करके घर पे इंस्टेंट मावा बना सकते हैं और ये मावा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे एकदम जमा लेना है। तो फ्रेंड मावा हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए एकदम सूख गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी गैस में बंद कर दिया। तो गैस बंद कर देने के बाद भी इसे चलाते रहना है क्योंकि पैन अभी भी गर्म है, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। तो ऐसे ही चलाते रहना है और 3 मिनट के लिए, और ये ठंडे होने से और थोड़ी सी सूख जाएगी। तो फ्रेंड मावा हमारी एकदम ठंडी हो गई है, अब मैं इस पैन के अंदर ही सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी। तो फ्रेंड ये फ्राई की हुई सूजी और ड्राई फ्रूट को भी मैं दूंगी इसके अंदर, इसे एक साथ मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर दूंगी ये पाउडर शुगर, आप चीनी को मिक्सी में मिक्स करके ऐसे पाउडर बना के भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर दूंगी किशमिश, बारीक कटी हुई किशमिश, और फ्लेवर के लिए दूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर 2 टीस्पून। आप इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं करते हो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो।
तो इसे मैं एक साथ मिक्स करूंगी। शुगर में कम दिया क्योंकि पाउडर मिल्क में भी शुगर है, इसलिए आप अपने मनपसंद के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। आपको मीठा पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा मीठा दे सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हमारा स्टफिंग एकदम रेडी हो गई है। इसे मैं प्लेट में निकल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा गुजिया की स्टफिंग एकदम रेडी हो गई है। तो चलिए आप डो को रेडी कर लेते हैं। तो अब मैं ढक्कन हटाऊंगी और इस डो को और थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो अब इस डो को मैं लंबा कर लूंगी और इस डो से आप छोटी छोटी बॉल बना लेना है। तो मैं इससे छोटी छोटी बॉल बना लूंगी। इस बॉल को ऐसे चिकना करेंगे हथेलियों में रख के, इसे घुमा के देखिए। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। इसे घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें घी है तो इसे मैं बेलूंगी। छोटा एक रोटी कर लेनी है। ये देखिए इसका लेयर आप देख सकते हैं। ये इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं करनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कैसे रोटी बनानी है। अब इसके अंदर स्टफिंग को देना है, तो मैं थोड़ी सी स्टफिंग इसके अंदर दूंगी। एक साइड में देना है क्योंकि मैं दूसरी साइड को फोल्ड करूंगी, इसलिए एक साइड पे ही रखेंगे और ऐसे करके इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए, और इसे मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगी ताकि लग जाए और तलने के समय ये मूल ना खुल जाए, इसलिए इसे ऐसे प्रेस करके मुँह को बंद करूँगी। ये देखिए, तो मैं अब इस किनारों को थोड़ा सा डिज़ाइन कर दूँगी स्पून से ऐसे दबा के। ये देखिए, तो अब मैं थोड़ी सी स्टफिंग इसके अंदर दूँगी। एक साइड पे ही देना है क्योंकि दूसरी साइड को मैं फोल्ड करूँगी और ऐसे फोल्ड करूंगी और इस मुँह को मैं ऐसे उंगलियों से बंद कर दूंगी प्रेस करके। और अब मैं ऐसे स्पून से इस किनारों पर डिज़ाइन कर दूंगी ताकि दिखने में अच्छी लगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, तो इसे भी मैं रख दूंगी। तो ऐसे भी आप गुजिया को बना सकते हैं, फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ये बड़ा साइज का मैं एक डो ले लिया। इसे आप चिकना करेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब इससे एक बड़ा सा रोटी बना लेनी है। कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा रोटी बना लेनी है। ये देखिए एक बड़ा सा रोटी मैं बना लिया। अब मैं इस ढक्कन से इसकी कटिंग करूँगी। तो आप ऐसे करके ढक्कन से भी कट सकते हैं या फिर आप ग्लास से भी कट सकते हैं। ये एकदम राउंड शेप में आ जाएगी। तो अब मैं इस साइड से निकल लूँगी, इसे किनारों से रख दूँगी। ये देखिए एकदम राउंड शेप में हो गई है। तो अब मैं एक एक करके बंद कर दूँगी। इसे भी मैं डिज़ाइन कर दूँगी। तो इस गुजिया को मैं हाथों से ही थोड़ा सा डिज़ाइन करूँगी। ये देखिए ऐसे करके प्रेस करके। ये देखिए, तो इसमें हम स्टफिंग को देंगे मिडिल पे। ये देखिए, और इस किनारों पे मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी क्योंकि ये रोटी थोड़ा सा सूख गई है तो चिपक जाएगी पानी देने से। और इस मुँह को मैं अच्छे से बंद करूंगी। इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब मैं इसे और एक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ऐसे करके इसे मैं ऐसे प्रेस करूँगी, फिर ऊपर उठा के ऐसे प्रेस करना है, ऐसे करके जाना है। प्रेस करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, मैं सारी गुजिया को बेलकर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे आप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड गुजिया को फ्राई करने के लिए तेल को गरम कर लेना है। तेल गरम हो गई है, अब मैं गैस को एकदम लो कर दूंगी क्योंकि लो फ्लेम पे ही गुजिया को फ्राई करना है। अब मैं एक एक करके गुजिया को तेल के अंदर दूंगी। तेल अभी गुनगुना गरम है, गुनगुना गरम तेल के अंदर ही गुजिया को देना है, तभी गुजिया क्रिस्पी बनेगी। तो अभी मैं गुजिया को पलट दूंगी दूसरी साइड पे। इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है और तेल थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर मैं छिड़क दूंगी।
तो अभी गुजिया फ्राई हो रही है, इसे और थोड़ी सी फ्राई करनी है। तो अभी मैं गैस को थोड़ा सा ऊपर रखूंगी लो से, इसमें गुजिया का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो फ्रेंड गुजिया हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकल लूंगी, एक्स्ट्रा तेल में निकल लूंगी, ऐसे करके मैं सारी गुजिया को फ्राई कर लूंगी। तो फ्रेंड अब गुजिया तलने के समय गैस का फ्लेम हाई मत करिएगा, नहीं तो गुजिया पर बबल्स आ जाएंगे और वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही लो फ्लेम पे इसे तलना है। ये देखिए फ्रेंड गुजिया ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। अब मैं गैस को लो से थोड़ा सा ऊपर करूँगी, इसमें इस गुजिया का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड गुजिया अभी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो सारी गुजिया तलकर रेडी हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड मेरा सारी गुजिया फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अब इसे चाशनी में डुबो लेते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं चाशनी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे गुजिया को चाशनी में डुबोना है। तो मैं दूंगी एक कप चीनी और इसका हाफ पानी देना है, तो अब मैं हाफ कप पानी दूंगी। अब इस चीनी को अच्छे से घोल लेना है। तो मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे रखूंगी और ऐसे ही चलाते रहूंगी, नहीं तो चीनी नीचे से जल जाएगी। चाशनी हमें थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, नहीं तो चाशनी अगर पतली रहेगी तो हमारी गुजिया जो है वो एकदम नरम हो जाएगी, वो क्रिस्पी नहीं रहेगी, इसलिए हमें चाशनी थोड़ा सा गाढ़ी ही चाहिए। अब मैं इस चाशनी की फ्लेवर के लिए इसके अंदर इलायची दूंगी। मैं दो इलायची को तोड़ लिया, इलायची से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी चाशनी में। तो अब मैं चाशनी में थोड़ा सा नींबू का रस दूंगी, इसमें चाशनी जमेगी नहीं, नहीं तो चाशनी जमकर हार्ड हो जाएगी। तो चाशनी को अब हम चेक करेंगे। ये देखिए तार बन रही है, आप देख सकते हैं। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और चाशनी को मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। तो मैं अब गुजिया को चाशनी में डुबोंगी एक एक करके। इसे चाशनी में डुबोकर नहीं रखना है, नहीं तो गुजिया जो है वो एकदम नरम हो जाएगी। तो इसे डुबोकर लेना है और इसे प्लेट में लेंगे। आप गुजिया को ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी गुजिया बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और ऐसे चाशनी में भी डुबो कर आप खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ज़्यादा मीठा है। तो फ्रेंड इस होली पर अपने घर में गुजिया बनाइए और सभी दोस्तों मेहमानों को खिलाइए। मैं आशा करती हूँ ये गुजिया की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड मेरा इस गुजिया की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अब लाइक करें और मेरे चैनल को अब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और फ्रेंड मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी हो।